68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह अराल सागर अब सूख चुका है। अब इस महासागर में सिर्फ रेत और नमक के टीले ही नजर आते हैं, लेकिन आज से 60 साल पहले तक यह ऐसा नहीं था। कभी यह सागर विश्व के 4 बड़े सागरों में से एक हुआ करता था। इसकी विशालता इतनी थी कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता था। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह अराल सागर अपनी ही रेत में कहीं गुम हो गया? आखिर क्यों ये खामोश पड़े जंग खाए जहाज हमसे कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार को सब कुछ पता होते हुए भी अराल सागर को क्यों मार दिया गया? एक समय ऐसा भी था जब इस सागर से विशाल स्तर में मछलियां पकड़ी जाती थी। माइग्रेटिंग बर्ड्स यहाँ आकर रुखा करते थे। यहाँ के 60,000 लोगों को यह अराल सागर जीविका प्रदान करता था। वर्ष 1950 तक अराल सागर पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए जल परियोजनाएं बनाई। इसमें मुख्य रूप से कपास के खेतों के लिए और कुछ हद तक चावल के लिए अराल सागर के आसपास की भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना शामिल था। उस समय मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया और कजाकिस्तान के बाहर और अंदर कपड़ा कारखानों को कपास का वितरण और सफेद सोने का यानी कपास का निर्यात करना था। 1960 से 1980 के बीच कपास का उत्पादन लगभग दुगना भी हो गया। सोवियत संघ दुनिया के कपास का 1/4 उत्पादन कर रहा था। हालांकि बाद में कपास के उत्पादन में कमी आने लगी। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए अब अराल सागर तक पहुंचने वाले पानी को मोड़ दिया जाना था। बस यहीं से अराल सागर के अंत की कहानी शुरू हो गई। इस फैसले के कारण अराल सागर में 75% से अधिक पानी की कमी हो गई। दरअसल एक रूसी वैज्ञानिक वायोकोव ने सुझाव दिया कि अराल सागर का पानी एक महत्वहीन भाग है और अराल सागर से आने वाले पानी को सिंचाई और कृषि के लिए लिया जाना चाहिए, और ऐसा ही इन लोगों ने किया भी। बावजूद इसके कि कपास और चावल जैसी फसलें सबसे ज्यादा पानी पीती हैं, इन लोगों ने अपने सूखाग्रस्त मैदानों में कपास और चावलों की खेती को चुना जहाँ पहले से ही पानी की कमी थी। आज वहाँ कपास के उत्पादन में इस्तेमाल किए गए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने इस स्थान को पृथ्वी का सबसे अधिक प्रदूषित स्थान बना दिया है। वर्ष 1994 तक क्षेत्र में 1.5 लाख टन जहरीले रसायन पानी में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सागर को बचाने की कोशिश नहीं की गई। सागर को सूखने से बचाने और उसके उत्तरी अराल सागर को भरने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2000 में पूरा हो गया था, जिसके बाद 2008 में सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रोजेक्ट के चलते ग्लोबल वार्मिंग का असर और ज्यादा खतरनाक हो गया और सागर के सूखने का सिलसिला यूं ही बरकरार रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद सागर की स्थिति को सुधारा नहीं जा सका और पहली बार अराल सागर पूरी तरह से सूख गया। क्या अजीब विडंबना है कि जिस वाइल्ड गोल्ड यानी कपास का नंबर वन एक्सपोर्टर बनने के जुनून में उज्बेकिस्तान ने अपने ही अराल सागर को मार दिया, वह आज विश्व के कपास एक्सपोर्टर के टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता। दोस्तों, ये तो रही एक सागर के विलुप्त होने की कहानी, पर क्या आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और कितने तरह के पंछी, जानवर और पेड़ पौधे अभी हाल में ही विलुप्त हो गए हैं? हमने इस पर एक डिटेल वीडियो तो बनाई है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया है, पर शायद आप लोग इसको लाइक ना करें क्योंकि हम लोगों को सिर्फ फिक्शन डॉक्यूमेंट्रीज ज्यादा पसंद आती है जिसमें किसी दूसरी दुनिया से आया कोई एलियन अर्थ को खत्म कर रहा है, लेकिन जो असल है उससे तो हम कोसों दूर रहते हैं। फिर भी अगर आपके पास नेचर के लिए थोड़ा समय हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर देख लेना। हमारा दावा है कि ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर जरूर कर देगी कि आखिर हम इंसान इस धरती के लिए बने भी हैं या नहीं।